ये सिर्फ हमारे देश में ही संभव है। यहाँ के लोग यहीं की रोटी खाते हैं, यहीं की हवा में सांस लेते हैं, यहीं पर घर बनाते हैं, उसके बाद यहीं की जमीन में पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। सालों अगर पाकिस्तान इतना पसंद है तो वहीं पर बोरिया बिस्तर लेकर बस जाओ ना अपने परिवार के साथ। यहाँ क्या कर रहे हो? भारत भारत है, यहाँ पे भारत का झंडा लहराएगा, पाकिस्तान का नहीं। और अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो उसे काट के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि भारत में गद्दारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सारे गद्दारों को एक तरफ करके गोली मार दी जाए। कश्मीर के लोग पत्थरबाजी पर उतर आए हैं। अरे मारो एक एक को गोली, कैसे पत्थरबाजी पे उतर आएंगे? देखे जरा, पाकिस्तान से कुछ सीखते नहीं हो? आतंकवादी देश है वो, फिर भी वहां के लोग वहीं की जय जयकार करते। गलती से बोल दे इंडिया की रोटी खा के जाते हैं यहाँ वहां के स्टार्स, लेकिन गलती से बोल दे कि हमने भारत का नमक खाया है। पाकिस्तान से कुछ सीखना है ना तो ये सीखो कि वो अपने देश के प्रति कितना ईमानदार है। एक गद्दार वतन के लोग उसके लिए ईमानदार है। और ये तो विडंबना ही है कि भारत की रोटी खाना है, भारत का स्कॉलरशिप लेना है, भारत में रिजर्वेशन लेना है, उसके बावजूद यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहरा देंगे ढंग 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 ढंग। और जो बचा कुचा कसर है वो पूरा कर देते हैं हमारे यहाँ भगवा और मुस्लिम मुल्ला। भगवान ने धर्म दिया तो अक्ल भी दी है, खुद पढ़ो खुद समझो। किसी मुल्ला के पास जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, किसी भगवा चोले वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो कोई भगवान नहीं, वो भी इंसान ही है। तुमसे और हमसे ज्यादा विवेकशील नहीं होता वो, हमसे ज्यादा परहेजी भी नहीं है। असली संत तो हम लोग होते हैं। 25 सैनिक शहीद हो जाते हैं, उरी हमले का दर्द हटा नहीं। राजनाथ सिंह कह देते हैं कि हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निंदा? कड़े शब्दों में निंदा? अरे हम शर्मिंदा है कि आप हमारे गृह मंत्री, कोई हमारे घर में घुसता है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे लोगों को मार के जाता है, और आप बोलते हैं हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कोई मेरे घर में घुसेगा, मेरी माँ बहनों को आंख दिखाएगा, मेरे भाई को मार के जाएगा, और मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती रहूंगी, लोगों से गुहार लगाऊंगी कि उसको आतंकवादी, उसको गलत साबित करो, घर में घुस के मारेंगे नहीं उनको, पूरे भारत को खत्म करने का वेट करेंगे। पूरा भारत मेरा देश, अगर कोई यहाँ के सैनिकों को हाथ लगाता है तो उसको घर में घुस के मार देना चाहिए। उसको डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कि भारत की सरहद पर नजर भी न डाली जाए। लेकिन नहीं, आप लोग की तो रोटियां चलती हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आप सब, बारी बारी से अपनी अपनी रोटियां सेको। टैक्सेस इंक्रीज करो, सुविधाएं इंक्रीज नहीं होने वाली हैं। क्यों होंगी? कौन नियम का पालन करेगा? जो नियम खुद तोड़ता है वो। दो चार लोगों के बोल देने से कुछ नहीं होता। मोदी जी ने लिखा है हम प्राउड फील करते हैं अपने सैनिकों पर। प्राउड की क्या पुंगी बजाएं? ये वक्त अब बदल चुका है। अब प्राउड और बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होगा। अब करके दिखाइए, अब फोड़िए जाके दुश्मन का घर, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। अब अगर नहीं किया ना तो समझो बहुत देर हो जाएगी। आज का युवा पढ़ा लिखा है सर, बिजली पानी और रोटी के नाम पे खुश नहीं होने वाला है। सब बदल के रख देगा आपका, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी की भी रोटी हो। क्या फर्क पड़ता है कौन सी बीजेपी है, कौन सी कांग्रेस है? बीजेपी में बस एक मोदी है, योगी है, उससे ज्यादा क्या है? यहाँ की पार्टी वहां पे लोग चले जाते हैं, वहां की पार्टी के लोग यहाँ आ जाते हैं। किसी पार्टी में कोई गंगा जल रखा है कि अगर कांग्रेस अशुद्ध है बीजेपी में आ गए तो वो शुद्ध हो जाते हैं? लोग तो वही है, चेहरे तो वही है, कहां से विकास होगा देश का? अपनी थाली में जिनको करोड़ों का रुपया चाहिए, कहां से विकास होगा देश का? किसी के पैकेट में एक पाई नहीं जाती है। क्लर्क के बच्चे क्यों जाएंगे सरकारी स्कूल? बड़े मिनिस्टर्स के क्यों नहीं जाएंगे सरकारी स्कूल? मिनिस्टर्स क्यों नहीं कराएंगे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज? आरक्षण दिया इन लोगों को, हॉस्पिटल बना दिए सरकारी, तो इलाज भी कराओ ना वहाँ पे। आम आदमी की पॉकेट पे तो सीधी मार है, पता है कि वहाँ पे 40% वाला सरकारी हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, इलाज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बढ़िया मर जाएंगे। इससे अच्छे गरीब से गरीब आदमी भी चला जाता है प्राइवेट में इलाज कराने, गरीब से गरीब आदमी भेजता बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने। अब किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? रूटीन सरकार नहीं है ना, तो प्रूफ करके दिखाइए कि आप रूटीन सरकार नहीं है। सिर्फ कैशलेस करने से सब कुछ नहीं चेंज हो जाता। बहुत भरोसे से वोट किए आपको, भरोसा टूटेगा ना तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा आप लोगों पर। जय हिंद।